और पार्ट टू में हम जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आपसे लास्ट यानी जो भी हैं 13 या 14 15 तक उनकी बात करने वाले। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन पर अपने आ जाते हैं। जो भी बच्चे हमारे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने देख लिया होगा एक बार, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्यूब्स एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के सम के रूप में आपको ये नंबर दिखाने हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर आपको कैसे फाइंड करना आपको वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना होगा। फर्स्ट ऑड नंबर कैसे भैया, फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। फॉर्मूला होता है n n-1+1। क्या होता है n n-1+1। अब n कहेंगे सर ये नंबर ऑफ टर्म, n कितना आपका देखेंगे ध्यान से तो 7 है, आप लोग देख रहे होंगे 7-1+1 हो जाएगा और 7 × 7 में से बन जाएगा 6+1, 7 × 6 = 42+1। यानी कहने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमको पता चला क्या होता है 43। और आपसे क्या पूछा गया, सम पूछा गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 7 का यानी कितना क्यूब आपका जो सम बैठेगा क्या होगा 43। अब देखिए आपको लेना भी क्या है, और नंबर ही लेना है ना, 43 45 47 49 51। अब कहेंगे सर नंबर कितने ले रहे, तो जिसका निकाले 7 है तो 7 नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेम है जिसका बी पार्ट आ गया, फर्स्ट ओड नंबर यहाँ भी हम लोग फाइंड करेंगे ऐसे ही, फर्स्ट ओड नंबर। चलिए फर्स्ट ओड नंबर यानी किसका भैया, फॉर्मूला लिखे n n-1+1 8 8-1+1 कितना जाएगा 8 × 7+1 8 × 7 = 56+1 कितना आ गया 57। तो आपको सीरीज लिखनी है 8 का क्यूब की क्या जाएगी 57 59 61 63 65 67 1 2 3 4 5 6 69 71 73 काउंट करी जरा कितना भाई 3 3 6 3 9 9 हो गए 71। तक ये आपका क्वेश्चन यहीं पर क्या होता है कंप्लीट। कितने इजी क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आगे हमने क्वेश्चन नंबर कहां पर, आगे हमने क्वेश्चन नंबर कौन से पर भैया, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए जरा। हाँ क्वेश्चन नंबर आगे अपने 8 पर देखे, 8 क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आराम से आप लोग नोट कर लेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज तिवारी मैथ्स क्लासेस को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे अपने 8 पर, 8 में क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए कब कर देते हैं इसको हम यहाँ से, बहुत इजी है फॉर्मूला, ध्यान रखना आपको n n-1+1 और जो भी आए वहां से लेके जितने नंबर का पूछा गया उतने आपको नंबर ले लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे अपने 8 पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following cubes are the cubes of odd number, of odd number। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब डिजिट चेक करिए जरा, सबसे पहले 125 बी 512 सी 729 डी 1000 ई 2197। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। 125 सबको पता सर ये किसका होता है, सर 5 का होता है। ये किसका होता है सर, ये होता है 8 का होता है। 8 कैसा नंबर है, ये ओड हो गया। ये कैसा हो गया सर, इवन हो गया। सर ये होता है 9 का, सर ये ओड हो गया। सर ये होता है 10 का, सर ये इवन हो गया। सर
सर ये होता है किसका 13 का, ये सर क्या हो गया ओड हो गया। आपको क्या पता चला, पता चला सो ए 135 यानी ए पार्ट 135 और कौन सा भैया सी 729 एंड ई 2197 इज द क्यूब ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन आपका यही क्या होता है कंप्लीट। मैंने लिख दिया कौन किसका क्यूब होता है, आप लोग करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपका यही क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में ईवी नंबर के पूछ लिए भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, ईवी नंबर के आपसे। चलिए इसको भी हम करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द क्यूब्स ऑफ ईवी नंबर, ऑफ ईवी नंबर। इसको यहां से कर दिया हमने रफ। ए पार्ट 27, सबसे पहले क्या गिवन है 27। बी पे कह रहा है 216, यहां पर कह रहा है 343। बचे कितने इजी क्वेश्चन है, 343 और 1331 और लास्ट है 2744, ठीक। इसको यहां से रफ कर दीजिए नंबर यहां। अभी देखेंगे हम लोग कौन किसका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया सबसे पहले। चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा सभी एक बार। जल्दी से रफ नोट कर लीजिएगा सभी। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस आइकन पर कर लीजिए जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ईवी नंबर, सेम क्वेश्चन आ गया 7 की तरह। अभी आपने ओड का पूछा, अब यहाँ ईवी का। ये किसका होता है सर, ये 3 का होता है, 3 कैसा नंबर सर ओड। ये किसका होता है सर 6 का, 6 कैसा नंबर है सर ईवी। ये होता है सर 7 का, 7 कैसा नंबर सर ओड। ये किसका होता है 11 का, 11 कैसा नंबर इवन। और ये किसका होता है तो कहेंगे सर 14 का, और 14 कैसा नंबर होता है ओड इवन, कैसा होता है इवन। और 11 कैसा होता है सर ओड, इसको भी सही कर लीजिएगा इवन ओड। तो क्या पूछा, इवन नंबर पूछे गए। इवन कौन कौन से आपके, तो बी पार्ट हो जाएगा आपका, कौन सा बी, और बी पे कितना लिखा 216 और कौन सा है इवन ई पार्ट से, दो ही है इवन ई यानी कितना 2744 बस। इज द क्यूब ऑफ इवन नंबर, इज द क्यूब ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए ये कौन सा था क्वेश्चन आपका, ये आपका 9 हो गया भैया, 9 हो गया आपका, कौन सा था 9। 10 पर आ गए, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा सभी, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर दें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर आ गए अपने हम 10 पर, और 10 में क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट पूछी गई। क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछी आपसे क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखने जाइए, यूनिट डिजिट पूछी गई आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ, ऑफ द क्यूब ऑफ Each of the following number, each of the following number, following number. A part पर आ गए। A में क्या लिखा है भैया? Cube of each following number 135 minus का। B में 24, C में 39,
डी में 238 और ई में जो कह रहा आपसे 666 कहा आपसे, क्या कह रहा है 666 आपसे, क्या पूछा इनके सबके क्यूब बताने ई जो आपकी यूनिट प्लेस पर है उसका यूनिट डिजिट आपको बतानी है, क्या पूछा है लिखा है ना फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ, चलिए आइए ए पार्ट लिखे माइंड, अरे यूनिट डिजिट के लिए आपको क्या चेक करना है 5 का चेक करना है, तो क्या लिखेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब, तो यूनिट डिजिट ऑफ -13। देखिए यूनिट डिजिट को कौन है यहाँ पर 5 है सर, तो 5 को ही ले लीजिएगा 5 5 5, तो 5 5 35 5 5 125 यानी कितना आएगा सर यूनिट डिजिट में 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है यानी 125 हो जाएगा, तो कितना यूनिट डिजिट में आएगा 5 आएगा। ऐसे बी पार्ट में यूनिट डिजिट ऑफ 24, तो क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, तो 4 × 4 × 4 कितना आएगा 64, तो कितना आएगा 4 आएगा, 39 है देखिए 39 का देख लीजिएगा 39 का देखिए सब ध्यान से यहाँ पे 9 है 9 9 9 कितना होता है सर 729, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट पे 9 आएगा आपका, बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही करने हैं। अरे यहाँ पर एक क्यूब और कहा था यहाँ पे इसमें ना क्यूब लगा लीजिएगा सर जी, यहाँ क्वेश्चन में क्या है क्यूब की है, यहाँ देखें 238 यूनिट डिजिट ऑफ 238 का क्यूब यूनिट डिजिट पे कितना 8 है, तो 8 × 8 × 8 8 8 64 64 8 5 1 2, तो 5 1 यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 2 आ गया। अब 6 वाले पहले इसका तो सबको मालूम ही है सबको, देखिए ये थोड़े बहुत आपको लर्न होने चाहिए यूनिट डिजिट ऑफ 666 का होल क्यूब, तो यूनिट डिजिट पे कितना यहाँ पर 6 है सर, तो 6 × 6 × 6 कितना आ गया 216, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या हुआ कंप्लीट, आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 पर हमसे क्या कह रहा है आइए उसको हम लोग एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बहुत इजी से आपके क्वेश्चंस थे, आराम से इनको नोट करने सभी को, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या गिवन है। ओनली 3 क्वेश्चन लास्ट है आपके ये बच्चे, इनको और हम निपटाएंगे इसी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक हमको करने थे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव क्यूब अप टू 45 का क्यूब, 45 का क्यूब और ये वाला लास्ट में जो है इसमें 20 की भी रहता है, क्वेश्चन आपके सेम है फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव क्यूब अप टू 20 क्यूब। चलिए सेम क्वेश्चन है तो हम दोनों ही लगभग करेंगे 11 और 12, देखते हैं इसमें हम दोनों क्या करना है। चलिए 45 अप टू कहां से लेके सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, अप टू 45 का क्यूब अप टू यानी 1 से कहां तक 45 तक कह रहा है वो आपसे, क्या कह रहा है सीरीज क्या कह रहा है वो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू कहां तक भैया रे 45 के क्यूब तक। अब इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला आपका होता है n n+1 और अपॉन में कितना 2 और इसका पूरे का क्या लगाना है आप लोगों का होल स्क्वायर लगाना है, इस तरीके से होल स्क्वायर लगाएंगे। n का मतलब कहेंगे सर क्या होता है, n का मतलब होता है कितना भैया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपको कितने की मीन है 45 की मीन है, तो चलिए सॉल्व करिए 45 और 45+1 अपॉन में कितना आपका 2 हो जाएगा, पूरे का क्या है ये होल स्क्वायर है, देखिए इस तरीके से बात समझ में आ गई, यस सर बात समझ में आ गई, तो 45 × 46 हो जाएगा अपॉन में कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर 45 × देखिए 2 से डिवाइड करिए 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 = 23 आ गया का होल स्क्वायर, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग जरा करके बताइए पर कितना आ रहा है जरा बताइए 1035 ओके वेरी गुड 1035 का होल स्क्वायर, और इसका हम एक बार होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे
तो 1035 का होल स्क्वायर जरा आप लोग भी करिएगा मल्टीप्लाई 1035 इंटू 1035 तो कितना आएगा देखिए 1071225 ये आपका आंसर आ गया होगा। एक बार आंसर शीट से भी हम मैच कर लेंगे, एक बार आंसर शीट से एक बार मैच कर लेते क्या आ रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। एक मिनट हो जाइए बस, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने, मिल जाओ भैया जी आंसर। यस बिल्कुल सही आंसर आ गया है 1071225। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम अपने, और 12 पर क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है, ये भी लगभग आपका सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अब की कहां तक लेने हैं आपको, 20 तक लेने हैं, कहां तक लेने हैं 20 तक लेने हैं नंबर 1 2 3 यहां पर लिख देंगे अप टू 20 का क्यूब, यहां पर भी क्या जाएगा 20 का क्यूब। अब देखिए सब जगह नंबर चेंज कर दीजिए, 20 आ जाएगा, यहां पर भी क्या जाएगा 20, तो यहां क्या जाएगा 20 into 21 और 12 to 10 जा हो गया 20, ये कितना हो जाएगा 20 into 10 कितना हो जाएगा 210। ठीक भैया कितना 21 है, हाँ ठीक है 21, तो 200 कितना आ गया 10, और 210 की अगर बात करें देखो स्क्वायर करना है आपको तो 20 लगा दिया 20 बन गया स्क्वायर कितना होता 441। आंसर एक बार आप लोग रीचेक कर लेंगे अपनी बुक में कि 44100 है या नहीं है। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और देखें क्या कह रहा है उसमें। चलिए आराम से नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, वहां पे 45 तक था, यहां पर आपसे 20 तक कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने कौन से पर, 12, यानी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन था आपका 12 नंबर, नंबर यहां चेंज कर देते हैं, लाइए क्वेश्चन नंबर 13 आपका लास्ट क्वेश्चन होगी सबसे। चलिए आराम से नोट कर दिया होगा सभी ने, आंसर शीट से भी मैच हो गया है आंसर, तो आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, एक बार रीड कर लेंगे जरा एक बार, प्रूव दैट, प्रूव करना है उस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर, प्रूव दैट इफ अ नंबर, प्रूव दैट इफ अ नंबर बिकम हाफ देन इट्स क्यूब बिकम, इट्स क्यूब बिकम 1/8 ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर। यह आपको क्वेश्चन गिवन है, और आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ अ नंबर बिकम हाफ, अगर नंबर को हाफ कर दें देन इज क्यूब बिकम, अगर उसका क्यूब भी क्या है 1/8 हो जाता है ऑफ द गिवन नंबर के। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है अगर आप किसी नंबर का हाफ करते, मान लीजिए मैंने एक नंबर लेट कर दिया, कितना लेट कर लिया x का, उसका मैंने हाफ कर दिया, और जब मैं उसका क्यूब करता हूं तो उसका क्यूब हो जाता है 1/8 ऑफ द नंबर, अब 1/8 इंटू कितना क्यूब, अब ये कोई नंबर हमने मारा था तो 1/8 गिवन नंबर या ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन यही आपका कंप्लीट हो गया, करेंगे कैसे देखो, थोड़ा लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी है वो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। चलिए देखते
सबसे पहले आप लोग क्या कहना थे, हमने ये कहा आपसे एक नंबर लैड कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इसका यहाँ से इसको डॉक्टर हमने लिया लैड लैड द नंबर बी एक्स, हमने कितना नंबर लैड कर लिया भैया एक्स कर लिया। अब इस एक्स का क्यूब, क्यूब ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स का क्यूब कितना, सर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। इस नंबर का हाफ है, हाफ करना है, हाफ ऑफ इसका करना है, हाफ नंबर का हाफ ऑफ एक्स, तो एक्स का हाफ कितना हो गया एक्स अपॉन टू। अब क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब ऑफ इसका हाफ वाले का क्यूब कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर एक्स अपॉन टू का क्यूब जब करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन टू, टू या फोर टू या कितना आ गया आपका एट। और यही आपसे क्या कह रहा था, प्रूफ करने को कह रहा था, क्या करने को कहा आपसे प्रूफ, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे वन अपॉन एट इंटू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब यह क्या था भैया, ओरिजिनल नंबर जो था हमारा क्या था वो लिखना है आपको, क्या लिखेंगे वन अपॉन एट इंटू इंटू वन अपॉन एट ऑफ क्यूब ऑफ ए, या आप लिख सकते हैं वन अपॉन एट ऑफ ओरिजिनल नंबर या गिवन नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर, और यही आपको क्या प्रूफ करना था, यही आपका क्या होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये बात करी हमने 3.4 पार्ट 2 की, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13 की। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3.5 की। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू अपलोड। अपना ध्यान रखिएगा, स्कूल खुल चुके हैं, आपकी पढ़ाई चल गई, दोबारा लग जाइए जुनून के साथ, मेहनत के साथ, और अपने कमेंट्स में सुझाव हमें भेजते रहिएगा। तिवारी मैथ्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इंग्लिश वाला चैनल तिवारी इंग्लिश क्लासेस जो है हमारा, तिवारी क्लासेस इंग्लिश, इंस्टाग्राम पे तिवारी मैथ्स क्लासेस, और हमारा जो टेलीग्राम है तिवारी मैथ्स क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।